वजीर खुराक बिलाल यासीन ने टाउनशिप सस्ते बाजार का हंगामी दौरा किया तो बाजार में सफाई के नाकिस इंतजाम उनके मुंतजर थे। वजीर खुराक को देखते ही मार्केट कमेटी का अमला मुतहरिक हुआ तो दूसरी जाने मौका गनीमत जानते हुए अवाम ने भी शिकायत के अंबार लगा दिए। कुछ दुकानदार अपनी मर्जी चलाते हैं, मतलब अगर रेट 50 है तो उन्होंने 10-20 ऊपर ले लेने हैं। रेट लिस्ट है ही नहीं ना, किसी के पास है किसी के पास नहीं, अगर ने कहो तो यही कहते हैं कि अभी तक आई नहीं है। वजीर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में इंतजामात में मजीद बेहतरी के लिए इकदाम करते हुए अवाम को तसल्ली दिलाई। हमें पता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो हम कह रहे हैं एक चीज। दूसरा ये कि अगर आप ये कहें ना, मैं भैया मानने को तैयार नहीं हूँ कि एफर्ट्स नहीं हुई और लोग इस चीज को एक्नॉलेज नहीं कर रहे। नाजायज मुनाफा खोरों के खिलाफ कार्रवाई में अब तक 2 करोड़ रुपए तक जुर्माने करने का बताकर वजीर खुराक ने खासे नंबर बनाए और साथ ही ग्राम फरोशों को खबरदार भी कर डाला। बहुत सी FIRs दी हैं, फाइन इम्पोज किए हैं और वो लोग जो इसको बार बार इस ऑफेंस को करते थे उनको हमने बंद भी किया है, जेलों में भी भेजा है। अवाम का मानना है कि रेट लिस्टों के हवाले से हुकूमती दावे अपनी जगह, मगर दुकानदारों और खरीदारों के तहफ्फुज़ात दूर करने में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हुई है। कैमरामैन शहबाज मुगल के साथ बिलाल हसन, दुनिया न्यूज़ लाहौर।